और थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट मैम, गुड नाइट। गौरी, धीरज के गले में जो चेन थी वो मैंने तुम्हें दी थी ना? हाँ मम्मी जी, लेकिन वो धीरज के पास कैसे चली गई? किसी ने दी होगी तभी तो उसके पास है। मगर बाबूजी, मम्मी जी, बस मित्तल परिवार के बहुओं को बेटियों की तरह समझा जाता है, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इस घर के मान सम्मान और मर्यादाओं को समझे और उसकी रक्षा करें। लेकिन तुमने जो किया है इससे ना सिर्फ इस परिवार के मान सम्मान को बल्कि इस घर के हर सदस्य के विश्वास को ठेस पहुंची है। अच्छा नहीं किया तुमने। जो चीजें खो जाती हैं वो ढूंढने पर मिला कर, लेकिन जो चीजें किसी को गिफ्ट में दी गई हो उन्हें ढूंढने से क्या फायदा? का मतलब तुम ही थे वो चेन? अनफॉर्चुनेटली यस। गौरी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया और मैंने अपना हाथ तुम्हारी दुखती रख पर रख दिया। क्या करूं गौरी, हिसाब क्लियर करने की पुरानी आदत है मेरी। प्रथम तुम ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो, वरना माँ बाबूजी सुन लेंगे तो समझेंगे कि गौरी बाहर वालों को गिफ्ट तो देती है अपने पति को गुस्सा भी करती है। बी कूल, अपना ये गुस्सा आगे के लिए संभाल के रखो, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हें परिवार के हर सदस्य की नजरों में गिराऊंगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये तेरे बार का छोटा सा जवाब है, मैंने चुकाया तुम्हारा हर हिसाब है। कुछ तो समझना, समझ समझाने पे तुम हो हमेशा ही मेरे निशाने पे। होठों की लाली अंगूर बन गई, दुश्मनी की दीवार तन गई, सबकी नजरों से आज गिर गई। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। जो सवाल मेरे चरित्र पर खड़े किए हैं उनका जवाब मैं जरूर दूंगी। पता है तुम भी एक अजीब दोस्त हो गौतम, कई कई दिनों के लिए अचानक गायब हो जाते हो, ना कोई मैसेज ना फोन। रियली सॉरी स्मृति, क्या करूं, घर में दो दो शादियां थी, बस इसी में बिजी था। शादी? हाँ, मेरे भैया समय और तुषार की शादी थी। तुमने मुझे इन्वाइट नहीं किया गौतम। स्मृति आई एम सॉरी, मैं चाहता था कि तुम जरूर आओ, लेकिन लगा कि तुम बहुत फील करोगी, तुम घर में किसी को जानती भी नहीं हो। और वेरी गुड गौतम, मैं क्या क्या सोचूंगी तुमने तो पहले ही सोच रखा है। अरे भाई, मैं किसी से मिलूंगी तो ही उन्हें जानूंगी ना। दोस्त कहते हो, अच्छी दोस्ती निभाई तुमने, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। प्लीज स्मृति, ऐसा मत कहो, आई एम रियली सॉरी, आई प्रॉमिस यू ऐसा फिर कभी नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन, मैं ऐसा कभी नहीं होगा? अगली बार तुम इन्विटेशन अपनी शादी का दोगे क्या? Thank you.
बोले 500 के जरा मुझे 500 की कॉइन देना। हंस क्यों रहे हो? कभी 500 का नोट देखा नहीं? नहीं, 500 का नोट तो देखा है, लेकिन आपकी उम्र वाली औरत को यहाँ पहली बार देख रहा हूँ, और आपकी उम्र जैसी औरत को तो काशी या हरिद्वार होना चाहिए। अपने सड़े दांतों से ये क्या बात कर रहा है तू? काशी जा तू, और अपनी माँ को भी ले जा। मैं तो बस छोड़िए ना, आप कॉइन दीजिए, जोर में बात करते रहिए। चलिए दादी, ले चलो चलो काशी जोर से। बड़ी संस्कृति, चल मेरी बारी, गुड गुड गुड, कम ऑन, या ठहरो। अरे चलो बाइक पे बैठते। बाइक? हाँ, मैं तो बाइक पे बैठूंगी। तुझे कौन कह रहा है बैठने को? मैं बैठूंगी, चलो कम ऑन बाइक पे। चलो चलो चलो, बाइक। तू हार रहे? हाँ। और हारेगा? नहीं। हाँ तो उड़ जा, उड़ जा, शाबाश। ये आपके बस की बात नहीं दादी जी, इट्स अ बाइक रेस। आई नो इट्स अ बाइक रेस, कम ऑन बेट। यू आर चैलेंजिंग मी? यस आई एम चैलेंजिंग यू। ओके, कॉइन डाल, कॉइन डाल। राइट 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 दादी, कम ऑन दादी, कम ऑन, कम ऑन दादी, कम ऑन दादी, 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 दादी। क्यों, कैसी रही? इट्स अ चीटिंग दादी जी। नो आई एम द विनर, कम ऑन लेट्स बिकम फ्रेंड्स, कम ऑन मैन, मिला ले नसीब वाला। ओके कम ऑन बच्चों, आओ चलो कम ऑन। मम्मी जी, मम्मी जी, आप उस चेन के बारे में सोच रही है ना? मम्मी जी वो चेन तो वही थी, लेकिन वो चेन मैंने धीरज को नहीं दी थी। मैं सच कह रही हूं मम्मी जी, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। गौरी एक बात बता, जो चेन मैंने तुम्हें प्रथम को देने के लिए दी थी, वो तुमने प्रथम को दी थी? नहीं मम्मी जी, वो क्यों क्यों नहीं दी थी? गायत्री, प्रथम से शादी होने से पहले इसकी सगाई किसी और के साथ हुई थी, जो टूट गई। ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम वो लड़का कौन था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि धीरज है गायत्री। क्या सबूत देखो, गौरी और धीरज की सगाई की तस्वीर जो मुझे धीरज की फाइल से मिली। ये बात इसने आज तक हमसे छिपा कर रखी थी। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया बाबूजी, प्रथम तो सब। प्रथम की बात मत करो कभी, प्रथम की बात मत करो। आज ये दिन हमें उसी की वजह से देखना पड़ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, मैंने अपनी मर्जी से धीरज के साथ अपना रिश्ता तोड़ा था। बिलीव मी बाबूजी, धीरज का और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने वो चेन उसे नहीं दी थी। मम्मी जी आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं करें कुछ समझ में नहीं आता स्वाति, पापा ने पहले कभी पैसों की परवाह नहीं करी और अब वो इस हाल में आ गए हैं that we can't even help him, we are helpless। दीदी आप helpless होंगी, मैं नहीं। मैं पापा की मदद जरूर करूंगी। मगर कैसे स्वाति? दीदी मैं अपनी ज्वेलरी उनको दे दूंगी, इनको बेचकर वो कुछ तो कर्ज उतार पाएंगे। मगर ये तुम्हारे ससुराल के गहने, हाउ कैन यू जस्ट गिव इट टू पापा? तो दीदी हम नहीं स्वाति, तुम भूलकर भी ऐसी गलती मत करना।
तुम पापा का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उनका प्रॉब्लम और बढ़ा दोगे। सोचो अगर ये बात किसी और को पता चल गई तो पापा की कितनी बेइज्जती होगी। तो दीदी हम क्या करें, पापा को यूं ही परेशान देखते रहें? नहीं स्वाति, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। जैसे पापा के अच्छे दिन नहीं रहे वैसे उनके बुरे दिन भी जल्दी चले जाएंगे। सब कुछ वक्त पर छोड़ दो, जाओ अपनी ज्वेलरी जाकर कबर्ड में रख दो। बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, जब तू बाकी सब लोगों को अपनी नए घर की ट्रीट देगा ना तब मैं तेरा हाल पूछूंगा। कम ऑन अजय, कभी तो रुपए पैसे के अलावा भी कुछ सोचा कर। हाँ। क्या बात कर रहा है, नेवर यार, मी एंड मनी वी मेड फॉर ईच अदर। अच्छा बच्चू, पास पास है हम साथ साथ। अच्छा बच्चू, भाभी आपको शायद पता नहीं है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो यही जनाब लड़कियों पर अंधाधुंध पैसा खर्च किया करते थे। क्या? पूछे 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 इससे। कभी किसी लड़की को आइसक्रीम खिलाई जाती थी तो कभी किसी लड़की को पिक्चर दिखाई जाती। अबे वो तो तब था ना जब मुझे पैसों की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती थी। पैसों की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती थी या लड़कियां पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? क्या यार, बीवी के सामने सारी पोल घूर रहा है। अरे तो क्या हुआ भाभी, भाभी से क्या छुपाना। अच्छा भाभी, मैं तब देखूंगा बच्चू जब तेरी शादी हो जाएगी। ओह कम ऑन, मैं और शादी? हाँ तू और शादी, बोल कब कर रहा है? अरे बहुत टाइम है भाभी। बहुत टाइम है मतलब बुढ़ापे में जाके शादी करेगा? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तू लेकिन शादी के लायक कोई लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना, कोई अपनी पसंद की, तू समझ रहा है ना? तुम्हारा मतलब है मानव तुम्हें कभी अपने जैसी अपनी पसंद की अपने टाइप की कभी कोई लड़की मिली ही नहीं? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा मैंने कब कहा, लड़कियां तो बहुत मिली लेकिन शादी के लायक कोई नहीं। वो कहते हैं ना भाभी, समवेयर समवन इज मेड फॉर यू, तो जिस दिन कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी मैं कर लूंगा शादी। ये वो यश चोपड़ा की मूवी का है ना? दिल तो पागल है। बहुत बढ़िया। एक वाह, एक क्या, एक क्या, एक। अरे क्या कर रहे हो, ये उन दोनों के लिए तुमने मना कर दिया था ना? अरे मना कर दिया तो क्या हुआ, मेरा मूड बदल गया। देखो भाई अगर ये खाना शेयर कर सकते हैं तो फिर भी शेयर कर सकते हैं। मतलब शेयर करने से दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो पैसे बचते हैं और दूसरा प्यार बढ़ता है। चलो एक बात तो मालूम होगी कि तुम्हें शाहरुख खान पसंद है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या बट ही हॉट। बट ऋतिक इज कूल इजंट ही? स्वाति एक बात पूछूं? हाँ पूछे ना मासी। तो मुझे मासी मत बुलाया करो, तो मुझे श्रुति बुलाओ। ओके श्रुति। तुमने तुषार से बात की या नहीं? किस बारे में? अरे हनीमून के बारे में, और किस बारे में? नहीं। कमाल है, जल्दी करो वरना तुम्हारा हनीमून भी गौरी और प्रथम के जैसे घर में ही हो जाएगा। मैं आज ही उससे बात करूंगी। क्या बातें चल रही हैं आप लोगों में? अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ क्या कह रही थी श्रुति मासी? कुछ खास नहीं। तुषार तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? हमारे हनीमून के बारे में। हनीमून जाएंगे ना हम लोग, लेकिन कब और कहाँ? जहाँ पर भी समय भैया और नताशा भाभी जाएंगे हम वहीं पर जाएंगे। यू मीन हम समय भैया और नताशा दीदी के साथ हनीमून पे जाने वाले हैं? क्यों, एनी प्रॉब्लम? अरे हनीमून का हनीमून हो जाएगा और साथ में टाइम पास भी हो जाएगा, है ना? ठीक है तो एटलीस्ट बात तो करो। अरे यू क्रेजी, मैं अपने हनीमून के बारे में अपने आप बात कैसे कर सकता हूँ? देखो स्वाति, तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना सीख। हमारे घर में ऐसा ही होता है, यहाँ पर बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। और अगर मांगे तो? अगर मांग ले तो तुम खुद ही समझ जाओ ना। मैं गिटार ठीक करवा के आता हूँ, तुम यहाँ पर आराम करो। ओके बाय। हाय। आपका बाय। बस जब हमारी बेगम अपने ख्यालों में खोई थी तो बेगम साहिबा आप क्या सोच रही थी हमें बताएंगे प्लीज? कुछ नहीं बस यूं ही, आप बैठे ना मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पापा की याद आ रही है, बहुत प्यार करती हो अपने पापा से। देखो नताशा ये बिजनेस है, ऊपर नीचे तो होता रहता है। चेहरा जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, घूमने चलते। नहीं समय नहीं, नहीं कुछ नहीं। अरे बाहर घूमने जाएंगे तो तुम्हारा मूड ठीक होगा,
मैं कैसे जा सकती हूँ समय? गाड़ी में जाएंगे ना? गाड़ी है, गाड़ी में जाएंगे। हाँ अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें गोद में उठा के ले जा सकता हूँ। नहीं समय प्लीज, वैसे भी घर में मुझे आज कुछ काम है। अच्छा तो तुम्हारे लिए अपने पति से ज्यादा घर के काम जरूरी है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जरा ये तो बताओ कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ तुम कर सकती हो और घर के बाकी लोग नहीं कर सकते? मम्मी ने आज मुझे प्रथम के लिए गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा है। प्रथम भैया के लिए? गौरी है ना? गौरी भाभी आज कुछ और काम में बिजी है। देखो नताशा, प्लीज समय ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली बार तो मम्मी ने मुझे कुछ काम कहा है और अगर मैं उनका काम नहीं करके तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाऊंगी तो कितना खराब लगेगा। हाँ तो ठीक है, जाओ जाके बनाओ प्रथम भैया के लिए गाजर का हलवा। जाओ प्लीज समय, मैं जाओ। आई एम सॉरी। नंदिनी बिजी हो? अरे नहीं नहीं कहिए ना, मुझे नेल पॉलिश चाहिए था। मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, इन दोनों में से जो भी पसंद हो लगा लीजिए। थैंक यू। नंदिनी तुम कल मानव के साथ लंच पे गई थी? हाँ वो उनका नया घर बन गया है ना, तो बस उसी खुशी में उन्होंने छोटी सी ट्रीट दी थी। छोटी सी ट्रीट दी थी या थोड़े लोगों की ट्रीट दी थी? भाई हमें तो इनवाइट भी नहीं किया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबको बुलाना चाहते थे लेकिन क्या करें, अचानक ही प्रोग्राम बन गया। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आई नो मानव इज अ गुड गाय। हाँ वो तो है, वो वाकई अच्छे हैं, सबके साथ अच्छी तरह बात करते हैं और खास बात यह है कि वो खुद खुश रहते हैं और सबको खुश रखते हैं। अरे वाह नंदिनी, तुम्हारे मुंह से किसी की तारीफ वो तो बड़ी मुश्किल से ही निकलती है। क्या करूं, वो है ही तारीफ के काबिल, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं वो? हाँ बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा अब इस अच्छा का क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। मम्मी जी मैंने कोई गलती? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पता है गौरी, भगवान ने औरत को ही जन्म देने का हक क्यों दिया है? क्योंकि उसमें बर्दाश्त करने की शक्ति होती है। पता है एक पल के लिए मेरा भी तुझ पर से विश्वास डगमगा गया था, लेकिन दूसरे ही पल मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि मैंने तुझ पर अपने कुटुंब की, मेरे प्रथम की जिम्मेदारी सौंपी है। तो तू मेरा विश्वास तोड़ ही नहीं सकती, तू गलत हो ही नहीं सकती। रहा सवाल तेरे बाबूजी का, तो हर इंसान के जिंदगी में गलतफहमियों का दौर आता है और चला जाता है, उनका भी ये दौर चला जाएगा मुझे विश्वास है। चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मामू जी, थैंक यू सो मच।